हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम ट्रेजरी। सो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे एमए हिस्ट्री CU CET का सिलेबस। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि टॉपिक सब टॉपिक में कैसे किस तरीके से डिफ्रेंसिएशन है, प्लस कौन कौन से पॉइंट्स या आप बोल सकते हैं कि सब टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट है और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो मैं बता दूं कि आपका दो पार्ट में बटा हुआ होगा, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका 25 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होंगे एमसीक्यू से, पार्ट बी भी आपका ऑब्जेक्टिव होगा लेकिन वो आपके हिस्ट्री से ही पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है पार्ट बी के बारे में ही डिस्कशन करेंगे, क्योंकि पार्ट ए सिंपलर है, उसमें सभी लोगों को एक आइडिया तो है ही। तो जितने भी लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस बार फॉर एग्ज़ाम्पल JNU के लिए अप्लाई कर रहे हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी, PHU, जामिया या फिर मान लीजिए हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, इसमें हम लोग पूरी डिटेल में सिलेबस को डिस्कस करेंगे। और इसके साथ ही अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, सो दैट जो भी इम्पॉर्टेंट अपडेट्स है वो आपको मिलता रहेगा, और साथ में नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें। तो पार्ट बी में सबसे पहले आ जाता है आपका एंशिएंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। तो एंशिएंट हिस्ट्री में अब देखिए क्या है कि क्वेश्चंस आपके 75 ही होंगे, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाता है कि कौन से टॉपिक को कितना वेटेज दिया जाए। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि सारे टॉपिक से एक ही तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उस चीज़ में भी आपको डिफ्रेंसिएशन लाना होगा कि किस टॉपिक से कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ सिलेबस को डिस्कस करेंगे और आगे जो है फिर हम लोग क्वेश्चंस पे भी डिस्कशन करेंगे कि कौन से टॉपिक में कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो एंशिएंट हिस्ट्री में आपका आ जाता है स्टोन एज। तो स्टोन एज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, पैलियोलिथिक आ जाता है, मेसोलिथिक आ जाता है, न्यूलिथिक एज आ जाता है, तीनों को तो आपको डिस्कस कर ही लेना है। लेकिन इम्पॉर्टेंट इसी में एंशिएंट हिस्ट्री में आ जाता है आपका इंडियन वैली सिविलाइजेशन। इनफैक्ट एंशिएंट से अगर क्वेश्चन अगर आता है तो उसमें एंशिएंट में इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट होता है, उस चीज़ को आपको देख लेना है। प्लस एज ऑफ रिलीजन में बुद्धिज्म एंड जैनिज्म में आपको ज़्यादा डिटेल्स में नहीं जाना है, लेकिन ओवरऑल आपको देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल कि अबाउट द वर्किंग लैंग्वेज या इम्पॉर्टेंट टेक्स्ट, उन सब चीज़ को देख लेना है। मौर्यन एम्पायर में आपको जैसे सोशल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर उसी में इंक्लूड कर देते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमी, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो कॉमन है, इंक्लूडिंग गुप्ता पीरियड जिसको हम गोल्डन एरा भी बोलते हैं। तो फॉर एग्जांपल आप देखिएगा कि एंशिएंट टाइप में बहुत सारे ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए जो अपॉइंटेज होते थे उनके अलग अलग नाम हुआ करता था, तो उस चीज़ को आप एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि वो सिग्निफिकेंट हो जाता है जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन वही हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपसे पूछ दिया जाएगा कि गुप्ता पीरियड में या मौर्यन पीरियड में पूरे स्टेट को का जो डिवीज़न किया जाता था तो उसको क्या पैरामीटर्स थे या किस किस नाम से डिवाइड किया जाता था। फॉर एग्जांपल मिडिलेवल में सिरसा सूरी का एक इम्पॉर्टेंट या बोल सकते हैं कि सिग्निफिकेंट अचीवमेंट रहा है या कंट्रीब्यूशन रहा है इन टर्म्स ऑफ तालुकाज या डिस्ट्रिक्ट या प्रोविंस के डिवीज़न एंड एडमिनिस्ट्रेशन में, तो वो सिग्निफिकेंट हो जाता है। वैसे ही एंशिएंट हिस्ट्री में अगर हम लोग देखते हैं तो वो डिफरेंस को आपको देखना पड़ेगा। दूसरा इम्पॉर्टेंट हो जाता है आर्ट एंड आर्किटेक्चर। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर में फॉर एग्जांपल इलोरा, अजंता, एलिफेंटा, जो केव पेंटिंग्स है या केव आर्किटेक्चर है, उन सबको देख लीजिएगा। संगम एज या संगम लिटरेचर की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके बारे में आपको देखिए संगम लिटरेचर ज़्यादा बड़ा है नहीं, तो उस चीज़ को आसानी से देखा जा सकता है। और कंट्रीब्यूशन तो इम्पॉर्टेंट है ही है, फॉर एग्जांपल पल्लवास, पालास, राष्ट्रकूटास, तो इन सबको भी देख लीजिएगा। और एक पॉइंट तो आप लोग ज़रूर कीजिएगा, जो सिलेबस हम लोग डिस्कस कर रहे हैं
इसमें आपको एक पॉइंट ये करना है कि जब भी आप पढ़ाई करें तो पॉइंट बाय पॉइंट आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिएगा, क्लासिफाई करके हर एक इंडिविजुअल में कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसको देख लीजिएगा। प्लस एंशेंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लिए एक जो एनसीईआरटी की जो पुरानी बुक आती थी, अगर आप लोगों के पास नहीं होगा तो एक बार कॉल या मैसेज कर दीजिएगा, हम लोग आपको शेयर कर देंगे। एंशेंट हिस्ट्री की जो पुरानी वाली एनसीईआरटी की जो बुक है, जो पहले क्लास 11th के लिए चलती थी, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। न्यू एनसीईआरटी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, पुराने वाले एनसीईआरटी की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वो पूरा बुक ही इंफॉर्मेटिव है और इसमें ये सारा चीज़ें अच्छे से कवरअप किया गया है। दूसरा आ जाता है कि अर्ली मेडिएवल और फिर मेडिएवल हिस्ट्री। तो अर्ली मेडिएवल में आपको वही चोलाज एंड एडमिनिस्ट्रेशन, अर्बन सेटलमेंट, उतना ज़्यादा खास नहीं है, बस देख लीजिएगा चोलाज के एडमिनिस्ट्रेशन को और इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ आर्किटेक्चर, टेम्पल आर्किटेक्चर, उसको देख लीजिएगा। इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपका मेडिएवल हिस्ट्री। मेडिएवल हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट हो जाता है जो दिल्ली सल्तनत की अगर हम लोग बात करते हैं तो तुगलक डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी, या फिर आप जैसे इक्ता सिस्टम है तो उसी तरीके से अलग अलग सिस्टम लाया गया था, उन सबको देख लेना है। प्लस इवन बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुगल एम्पायर, जो इम्पोर्टेंट सिटीज़ जो का जो इस्टेब्लिशमेंट किया था, फॉर एग्जांपल फिरोजाबाद हो जाता है, तुगलकाबाद हो जाता है, दौलताबाद हो जाता है, तो इन सबको एक बार आप देख लीजिएगा और उसी में कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट हो जाता है फिर राइज ऑफ सू डायनेस्टी। दूसरा जो मेडिवल हिस्ट्री में सिग्निफिकेंट हो जाता है, जो मैंने जो एंशेंट हिस्ट्री में भी बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर। एडमिनिस्ट्रेशन में आप ये देख लीजिएगा कि अकबर के द्वारा जो इम्पोर्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस थे, चाहे वो एग्रीरियन को या एग्रीकल्चर को लेकर था, या फिर आप ये बोल सकते हैं जो टॉलरेंस टुवर्ड्स रिलीजियन था, तो उस तरीके से क्वेश्चंस जो हैं आपसे पूछे जा सकते हैं। अकबर के द्वारा कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सिटीज़ का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, तो उस चीज़ को ओवरऑल आप देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से इसके लिए भी एनसीईआरटी का मिडिवल हिस्ट्री, पुराना वाला एनसीईआरटी, नया वाला नहीं, पुराना वाला इम्पोर्टेंट हो जाता है। थर्ड इम्पोर्टेंट हो जाता है आपका मॉडर्न हिस्ट्री। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर हम लोग बात करें तो मॉडर्न हिस्ट्री यूजुअली एक ऐसा पार्ट है जो सारे लोग अच्छे से कर ही लेते हैं, लेकिन इसमें एक चीज़ जो मैंने देखा है कि बहुत छोटी छोटी चीज़ें इन टर्म्स ऑफ द कंट्रीब्यूशन ऑफ द ब्रिटिश राज इन इंडिया, उस पर एक इम्पॉर्टेंट उनकी जो कंट्रीब्यूशंस थी, उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं और उससे अगर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं तो उसको हम लोग नहीं कर पाते। फॉर एग्जांपल कंट्रीब्यूशन ऑफ ब्रिटिश राज इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बोलूँ तो जितने भी वॉइस रॉय या गवर्नर जनरल थे, तो उन्होंने अलग अलग सिस्टम से स्टार्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग मान लीजिए परमानेंट सेटलमेंट्स की बात करते हैं, या फिर इन टर्म्स ऑफ जो एडमिनिस्ट्रेटिव आप बोल सकते हैं कि जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो कमीशंस एंड कमिटीज़ बनाई गई थी, चाहे वो एजुकेशन को लेकर हो या यूपीएससी को लेकर हो या फिर फैमिन को लेकर हो, तो उस पे हम लोग कहीं ना कहीं मिस कर जाते हैं, क्योंकि हम लोगों का मोस्टली जो फोकस होता है वो अर्ली 20th सेंचुरी पे ही हो जाता है, पोस्ट 1900। और फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं कि द ऑफिस ऑफ द सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, या द ऑफिस ऑफ, या फिर जो इरिगेशन का डिपार्टमेंट है या पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट है, वो किसके पीरियड में किया गया था, तो वो कंट्रीब्यूशन सिग्निफिकेंट हो जाता है और उससे अगर क्वेश्चंस निकल कर आते हैं तो हम लोग कहीं ना कहीं उसको नहीं कर पाते हैं, तो उन सारी चीज़ों को देखना है। तो ब्रिटिश राज को हम लोग जो है मोस्टली फ्रीडम स्ट्रगल से ही रिलेट करके देख लेते हैं, और उनके जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स थे, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रोचेस थे, जो आफ्टर इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस वी इन ए वे टुक ऑल दोज अप्रोचेस, उस चीज़ को हम लोग कहीं ना कहीं अंडरस्टिमेट करते हैं और नहीं कर पाते, तो उस चीज़ पे भी हम लोगों को थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। और इसमें भी एनसीईआरटी की जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है, जो मॉडर्न हिस्ट्री हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया की बुक है वो सिग्निफिकेंट हो जाती है।
प्लस इसके लिए एक शेखर बंदोपाध्याय की बुक है, फ्रॉम पैलेसी टू पार्टीशन ए हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया। तो इस ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है मुझे हिसाब से, दिल्ली यूनिवर्सिटी में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक मानी जाती है और पढ़ाई भी जाती है। तो इस बुक को आप लोग जरूर देख लीजिएगा। प्लस हम लोगों ने ये भी सोचा है कि हिस्ट्री को लेकर जो एग्जाम टेजी के द्वारा टेस्ट सीरीज बनाया जाएगा वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, और इसके साथ साथ जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हैं वो भी हम लोग आपके साथ शेयर करेंगे, सो दैट कि आपको एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक गूगल फॉर्म फिल करना है, वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कॉल या मैसेज करके भी पूछ सकते हैं। और अब जो है एग्जाम ट्रेजी के द्वारा हिस्ट्री के लिए भी अब हम लोग टेस्ट सीरीज लॉन्च करेंगे, तो फटाफट आप लोग रजिस्टर कर लीजिए सो दैट जब भी टेस्ट सीरीज आता है हम लोग आपको इन्फॉर्म कर सकें। इसके अलावा आपके पास कोई क्वेश्चन है तो आप लोग वीडियो के कमेंट में भी जाके कमेंट कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। सो वी विश यू ऑल द बेस्ट।